क्वेश्चन है, अ रे एंटर्स अ ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज रूट थ्री एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. अ रे इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द फर्दर है, वो फादर नहीं है, सरफेस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, दूसरी सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्ट भी है और रिफ्लेक्ट भी है. एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज एट द सरफेस इज इक्वल टू व्हाट. मेन प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन की डायग्राम, जो एक्सपेक्टेड है कि तुम खुद ही बनाओगे. तो क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल सरफेस है, रे एंटर करती है और नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस पे हमेशा कहाँ से पास करता है, सेंटर में से. याद रखना, किसी भी स्फेयर के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा. तो रे 60 डिग्री पे एंटर करती है, रिफ्रैक्शन होती है, मुझे पता नहीं क्या रिफ्रैक्शन का एंगल है, और फिर यहाँ पे जाती है और फार्दर सरफेस पे दूसरी सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है. तो ये रही रिफ्लेक्ट और यही ये रही रिफ्रैक्ट. ये क्वेश्चन है, क्लियर है यहाँ तक. आपको इसमें ये बताना है कि जो रिफ्लेक्ट हुई और जो रिफ्रैक्ट हुई इनके बीच में एंगल क्या है, ये क्वेश्चन है. तो आपको इस क्वेश्चन में अल्फा बताना है क्या है. अब यहां पे रिफ्रैक्शन हुई, 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, R1. फिर यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से. तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 और बाहर निकलने का एंगल I2. मुझे कुछ भी नहीं मालूम इनमें से, ना मुझे R1 पता, ना R2, ना I2, और मुझे क्या निकालना है, अल्फा. पर इतना पता है कि रे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहां से जो नॉर्मल बीच में से पास करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन सेम है. तो अगर ये एंगल R2 है तो ये एंगल भी एग्जैक्टली R2 ही आएगा. रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस का एंगल सेम है तो ये दोनों एंगल्स सेम बनेंगे. तो ये R2 है, ये भी R2 आएगा. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, डायग्राम समझ में आ रहा है सबको, क्या डायग्राम है. तो स्टार्ट करते हैं. तो इसके अंदर सबसे पहले PIR का क्वेश्चन तो ये है नहीं, PIR का क्वेश्चन तो है नहीं. तो यहां पर स्नेल्स लॉ लगेगा. कैसे, μ1 into sin of 60 is μ2 into sin of R1. तो एटलीस्ट स्नेल्स लॉ से मैं R1 तो निकाल ही सकता हूं. फिर मुझे पता है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कहां से पास कर रहे हैं, सेंटर से. ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो R1 R2 बराबर है. तो क्योंकि तुमने R1 निकाल लिया, यहां से क्या जाएगा, R2 आ गया. सही है यहां तक, R1 तो स्नेल लॉ से आ ही जाएगा और बाई ज्योमेट्री R1 R2 बराबर है, R2 भी आ गया. अब R2 और I2 पे फिर से स्नेल्स लॉ. कैसे, μ3 into sin of R2 is μ1 into sin of I2. क्योंकि तुम्हें R2 पता है, तुम्हारे पास I2 भी आ गया. अब तुम्हारे पास R2 पता है तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो तुम्हें ये एंगल भी पता लग गया. अब ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, तो फिर बचा हुआ एंगल क्या होगा, 180 में से दोनों एंगल्स को क्या कर देना है, माइनस, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है. तो 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस करके अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड. मेथड समझ में आ रहा है. ये देखो, यहां पर मैंने स्नेल्स लॉ लगा के पहले R2 निकाल लिया या R1 निकाल लिया, R1 आ गया, R2 भी 30 ही आ गया. फिर R2 30 आया तो मैंने I2 स्नेल्स लॉ से, फिर मैंने यहां से I2 निकाल लिया जो कि 60 आ गया. अब मुझे ये पता लग गया, ये 60 आ गया, ये 30 आ गया, तो ये भी 30 है. तो 180 में से 60 और 30 को माइनस करके अल्फा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया. तो मेथड समझ में आ रहा है कि इसमें क्या रूल लगेगा, कोई डाउट इसमें. इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है, एक फिश है और एक फ्लाई को देख रही है. तो फिश एक्वेरियम के अंदर अप्रोचेज अ लेफ्ट वॉल एट अ रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. ये फिश तैरती हुई जा रही है, इसकी स्पीड लेफ्ट की तरफ कितनी है, 3. नेक्स्ट है, एंड ऑब्जर्व अ फ्लाई अप्रोचिंग इट एट 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये इसने फिश ने कहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्लाई मेरी तरफ आ रही है, कितनी स्पीड के साथ, 8 की स्पीड के साथ. और ये जवाब कौन दे रहा है, चलती हुई फिश दे रही है. अब जो फिश चल रही है वो उस जो वेलोसिटी 8 देख पा रही है वो फ्लाई की एक्चुअल वेलोसिटी तो है ही नहीं,
ये बिल्कुल वैसे ही है, दो बसेस ट्रैवल कर रही हैं आमने सामने विद स्पीड ऑफ 60 एंड 60। इस ड्राइवर को पूछा कि इसकी स्पीड कितनी है, तो उसने क्या बोला 120। उसको लग रहा है 120 बिकॉज बोथ आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो ये इसकी अपरेंट स्पीड है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। तो 8 मीटर पर सेकेंड एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है फ्लाई की, रिलेटिव वेलोसिटी है। अब एक और समस्या है इसमें, फिश है उसको फ्लाई सही निशाने में दिखती नहीं है। उसको क्या लगता है कि अगर जो फ्लाई है उसकी दूरी एक्स है तो उसको कितनी दूरी पे नज़र आती है फ्लाई, म्यू टाइम्स एक्स। हमने ये रूल किया था कि अगर पानी के अंदर ऑब्जेक्ट है तो हमें एक्स अपॉन म्यू नज़र आता है, और अगर पानी से बाहर देखना है तो एक्स इंटू म्यू नज़र आता है। तो मुझे ये समझ में आता है कि ये डिस्टेंस कितना है, म्यू इंटू एक्स। अब ये जो फिश है अपना जवाब क्या दे रही है, इसको देखते हुए जवाब दे रही है कि मुझे लग रहा है कि इसकी स्पीड 8 है, पर प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में फ्लाई तो ये उड़ रही है पर फिश को तो ये दिख रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। तो एक तो रिलेटिव वेलोसिटी की प्रॉब्लम है, और दूसरी ये प्रॉब्लम है कि फिश को सही दिखता नहीं है, उसको अपरेंट दिखता है। चलो एक काम करते हैं, सिंपल रूल बनाते हैं। सिंपल रूल ये है कि फिश की वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, फिश की वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, फ्लाई की वेलोसिटी राइट की तरफ है। फ्लाई की वेलोसिटी जो फिश ने बताई वो एक्चुअल नहीं है, वो क्या है, अपरेंट है। अपरेंट का मतलब जो उसे लगा, उसे लगता है कि इसकी वेलोसिटी भी अपरेंट है, और दोनों का सम कितना गिवन है 8, क्योंकि जो फिश है वो फ्लाई की अपरेंट की चीज देख रही है, अपरेंट डेप्थ देख रही है, रियल डेप्थ तो उसको दिखाई दे भी नहीं रही। अब वेलोसिटी अपरेंट निकलती कैसे है, ये बताओ कि अपरेंट डिस्टेंस कितना है, म्यू इंटू एक्स। एक्चुअल डिस्टेंस एक्स है तो अपरेंट डिस्टेंस कितना है, म्यू इंटू एक्स। तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अपरेंट वेलोसिटी आ जाएगी। तो अपरेंट वेलोसिटी क्या आएगी, म्यू टाइम्स एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई। तो जैसे डिस्टेंस कैसे निकलता है, अपरेंट म्यू इंटू एक्चुअल डिस्टेंस, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, म्यू इंटू एक्चुअल वेलोसिटी। तो ये रूल समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो एक्चुअल वेलोसिटी को भी म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो अपरेंट वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पर म्यू इंटू फ्लाई। आप सीधा एक ही क्वेश्चन बना लिया करो पेपर में, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फिश, म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लाई का मतलब एक्चुअल अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, और दोनों का सम 8 गिवन है तो म्यू आपको गिवन है। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ फ्लाई कैन बी कैलकुलेटेड, फेमस क्वेश्चन है मेंस और नीट का, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये। तो ऐसे करना है, पॉइंट समझ में आता है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे ये इजी क्वेश्चन है लेयर वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन है, आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स बल्ब इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ एच बिलो। तो एच डिस्टेंस नीचे है और कोई ऊपर से देख रहा है, तो यहाँ पर एक डिस्क रख दी गई, ये एक डिस्क है, सच दैट डिस्क ऐसे रखी गई कि सोर्स से लाइट जो है वो TIR होती रहे और सोर्स इनविजिबल रहे। हमने क्वेश्चन ऐसे NCERT में किया भी था कि वो जो एक डिस्क है वो तैर रही है, फ्लूट कर रही है। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ से तो TIR हो ही रही है, कुछ ऐसे TIR हो रही है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ डिस्क, डिस्क का रेडियस कम से कम क्या हो, ताकि क्या हो, बल्ब इज नॉट विजिबल, किसी को पता ना लगे कि लाइट है। ऐसा तभी हो सकता है जब सारी लाइट यहाँ पर छुप जाए जो बाहर आने वाली है, और ये वाली लाइट कहाँ पर चली जाए, पानी के अंदर चली जाए, ताकि इसका TIR हो जाए। इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यहाँ पर आई लिख लेता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइट का यहाँ पर क्या बनेगा, आई। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर TIR हो और साइड से लाइट बाहर ना निकले। तो अगर मैं चाहता हूँ कि TIR हो तो आई शुड बी ग्रेटर देन सी, तभी TIR हो पाएगा। और दोनों तरफ साइन साइन लगा लो, साइन आई ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी का फॉर्मूला सबको पता है, 1/μ, और साइन आई इसके अंदर ये सी की जगह आई लिख लें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, सपोज आई। साइन आई की वैल्यू क्या आएगी, आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
तो साइन आई यहाँ से निकाल लें, साइन आई की जगह साइन आई, साइन सी की जगह वन बाई म्यू, इसको सॉल्व कर लें इनइक्वालिटी स्क्वेयरिंग करके, आर की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन मार्क कर लें, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें ऐसे ऑप्शन की बनोगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है, कुछ करना नहीं है उसमें। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सिक्स करना है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इनका ना नेगेटिव है, हमने नहीं सुना आज तक म्यू नेगेटिव है, ये कह रहे इनका म्यू नेगेटिव है। तो बताओ अगर किसी भी मटेरियल का म्यू नेगेटिव है तो कौन सा डायग्राम इसमें सूटेबल है? ये हमने नहीं आज तक किया, म्यू तो पॉजिटिव ही होता है। पर वो कह रहे अगर म्यू नेगेटिव है तो क्या करेंगे, याद रखना स्नेल लॉ, जब जब लगेगा म्यू इज साइन आई बाई साइन आर, साइन आर इज साइन आई बाई म्यू, और अगर मेरा म्यू नेगेटिव है तो साइन आर भी नेगेटिव है, साइन आर नेगेटिव है मतलब आर भी नेगेटिव है। आर नेगेटिव का मतलब अगर रे इधर आती है तो आर पॉजिटिव है, इस लाइन के इधर आती है तो आर पॉजिटिव है, और इधर जाने का मतलब आर नेगेटिव है, तो ये ग्राफ बनेगा अगर म्यू नेगेटिव है तो, क्योंकि इधर आने का मतलब आर की वैल्यू छोटी बड़ी हो सकती है पर रहेगी पॉजिटिव। तो अगर इधर ले जाएंगे, इस एक्सिस के इधर ले जाएंगे तो आर नेगेटिव का ऑप्शन आएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, इकलौता यही क्वेश्चन है और उसने वैसे ही पूछ लिया कि अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे, आता नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट के अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा वन है, ट्रेवलिंग इन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन, एंटर द डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू। तो आपको बताना है वेवलेंथ सेकंड मीडियम में क्या होगी। देखो एक चीज याद रखना, जब भी कोई लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक चीज कभी चेंज नहीं होती, और वो क्या है, लाइट की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, क्लियर है यहां तक? वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो एक काम करते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या है, न्यू इंटू लैमडा, और मीडियम में क्या है, न्यू इंटू लैमडा वन। यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, लैमडा वन आ गया। और अगर यही लाइट दूसरे मीडियम में जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन की जगह एन टू है, तो लैमडा टू सेम आ जाएगा, यहाँ से लैमडा वन की तरह लैमडा टू आ गया। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, लैम्डा टू इज एन वन बाई एन टू इंटू लैम्डा वन आ गया। तो कुछ नहीं करना है इसमें, तो एक फैक्टर सेम रखना है, और वो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। एक बार मीडियम वन की इक्वेशन बनेगी, एक बार मीडियम टू की इक्वेशन बनेगी, दोनों को डिवाइड करके अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट है, नहीं नेक्स्ट किया हुआ है, स्लैब वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें।